ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र देव धन वैभव भौतिक सुख और ऐश्वर्य के स्वामी हैं। जिस जातक की कुंडली में शुक्र उच्च स्थान पर होते हैं उन्हें इन क्षेत्रों में लाभ होता है। हर ग्रह निश्चित समय के बाद राशि परिवर्तन करता है। ग्रहों के गोचर का शुभ और अशुभ प्रभाव सभी राशि वालों के जीवन पर पड़ता है। 30 मई को शुक्र ग्रह कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं। शुक्र का चंद्र की राशि कर्क में प्रवेश करने से इसका असर सभी राशि वालों के जीवन पर पड़ेगा। वहीं 3 राशि वालों के लिए शुक्र गोचर बेहद शुभ होने वाला है। शुक्र 7 जुलाई तक कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। कुछ राशि वालों के लिए 7 जुलाई तक के दिन शानदार रहने वाले हैं। इन राशियों में सबसे पहली है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर काफी शुभ होने वाला है। लाभ मिलने की संभावनाएं अधिक हैं। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। इस दौरान इन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इन लोगों को व्यापार में काफी उन्नति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में एक साथ काम कर रहे सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। मिथुन राशि। शुक्र का गोचर मिथुन राशि वालों को जमकर लाभ देने वाला है। अधिकांश कार्यों में सफलता प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए भी यह समय बहुत ही लाभदायक है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। आपके स्वभाव में बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ सकती है। मीन राशि। शुक्र का गोचर मीन राशि वालों के अच्छे दिनों की शुरुआत करने वाला है। व्यापार क्षेत्र में लाभ मिल सकता है और आकस्मिक धन लाभ के भी संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र जमकर धन वर्षा करने वाले हैं। मीडिया से जुड़े जातकों को बहुत लाभ मिलेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जीवन में ग्रहों की चाल और नक्षत्र गहरा असर डालते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे सौर मंडल में ग्रह हमारे जन्म के समय अपनी जिस स्थिति में रहते हैं उसी के आधार पर हमारा भविष्य तय करते हैं। ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेते ही किसी भी व्यक्ति का संबंध नव ग्रहों से जुड़ जाता है और जीवन भर कुंडली में 12 भावों में स्थित ग्रह सुख दुख का बड़ा कारण बनते हैं। ग्रहों की शुद्धता जहाँ जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य का कारण बनती है तो वहीं इसके अशुभ फल देते ही आदमी अर्श से फर्श पर आ जाता है। ज्योतिष में इन नवग्रहों की शुभता पाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। ग्रहों की शुभता पाने के लिए उससे जुड़े देवी देवताओं की पूजा अत्यंत ही सरल एवं अचूक उपाय माना जाता है। नवग्रहों में हर ग्रह की स्थिति ही हमारी कुंडली बनाती है और इसमें शुक्र ग्रह का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब शुक्र का गोचर होने वाला है तो आपको शुक्र ग्रह के बारे में कुछ जानकारी होनी जरूरी है और आपको पता होना चाहिए कि शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं। बता दें कि जिन जातकों का शुक्र ग्रह कमजोर है उनको शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। व्रत 21 या 31 रखने चाहिए। इसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। शुक्रवार का व्रत करने से शुक्र मजबूत होता है और माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बनी रहती है। इस व्रत के प्रभाव से सुख सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है। शुक्र दोष को दूर करने के लिए शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनकर ओम द्राम ब्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र की 5, 11 या 21 माला का जाप करने से शुक्र प्रबल हो जाता है। यदि किसी जातक का शुक्र ग्रह कमजोर है तो उसे मजबूत बनाने के लिए दान करें। दान में सफेद वस्त्र, चावल, घी, चीनी आदि का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री, दही आदि का भी दान कर सकते हैं। जिन जातक का शुक्र कमजोर है उन्हें हीरा धारण करना चाहिए। यदि हीरा संभव ना हो तो जातक शुक्र का रत्न कुरंगी, दतला, तुरमली या सिम्मा धारण कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो आप अपने साथ रह रही महिला या सभी महिलाओं का सम्मान करें, अपने आसपास सफाई रखें और उसके साथ ही यदि आप इतर का प्रयोग करते हैं तो भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।